के बारे में बात कर रहा था मैं कि फिर क्या होता है कि एक एक वही 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 बातें समझो आती है। जैसा अभी ये घटना हुई, ये पेशेंट सीरियस है, अब ये रिलेटिव कुछ हंगामा कर रहे हैं, कुछ रिलेटिव बोले नहीं, हमको तो मालूम था कि सीरियस है। अब क्या होता है कि जो ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति है वो अभी यही दिमाग में विचार चालू रहेंगे और वो नींद नहीं आएंगे रात को, फिर सवेरे उठने के बाद में भी वही आएगा, फिर वही बार 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 विचार आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे पास में ऐसे आते कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हुआ और बार 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 उसके विचार आ रहे हैं गर्लफ्रेंड, या कोई डेथ हो गई उसके विचार बार बार आ रहे हैं, है ना। एक लड़का मेरे पास में आया, अभी उसको क्या हो गया, उसको विचार आते हैं कि मैं कोई लड़की के गाल के तरफ देखता हूँ, गाल के तरफ, और मैं कोई लड़की के गाल के तरफ देखा तो वो क्या सोचेंगी कि भाई ये मेरे गाल के तरफ क्यों देख रहा है, वो ऐसा तो नहीं सोचेंगे क्या है ये, किस करेंगे क्या करेंगे, मतलब, और वो विचार उसके मन में चालू हो। या कोई व्यक्ति को आता है विचार कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, इतना बार 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 विचार, इतना ओवर थिंकिंग बस। या फिर आपकी लड़की है, उसने बोला कि 7 बजे मैं घर पे आऊंगी, 17-18 साल की लड़की है, और वो 7 बजे या 8 बजे के पहले घर में आई नहीं, 9 बज गए और आपको चिंता है कि भाई कहाँ गए, कहाँ गई, क्या हो गया, उसका फोन नहीं लग रहा है, और फिर आपको बहुत ज्यादा चिंता लग रही है और आप फिक्र में, और इतना चिंता कि आप कुछ कुछ नहीं कर पा रहे, ओवर थिंकिंग हो रहा है ना। तो किसको एग्जाम में पास करने का डर, किसको ऐसा है कि भाई मुझे ढंग से बात करनी नहीं आती है स्टेज पर, फिर उसका चालू कि भाई मेरे को बात करनी नहीं आती है स्टेज के ऊपर, मुझे बात करनी नहीं आती है, बार 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 वो उसको विचार आते जाएंगे। तो फिर ये जो होता है, ऐसा काफी सारे विचार आपको आते रहते बार बार, और वो अपने को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उसे फिर नींद नहीं आती, खाना नहीं रखता, काम में मन नहीं लगता, फिर कभी कभी उसके साथ में फिर धड़कन हो जाती है, कभी किसको ये विचार आते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। जैसे मैंने पिछले बार बोला मेरे पिछले सेशन में कि एक मेरे पास में लड़का आया कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड की वजह से, और उसको ये लग रहा था कि भाई कोविड में उन्होंने, मतलब उसने जो उनके लिए करना चाहिए था वो किया नहीं, जो शुश्रूषा करनी चाहिए थी वो की नहीं, जो दवाई देनी चाहिए थी वो दिया नहीं, उसने वो किया नहीं, और इसलिए उनका देहांत हो गया, वो मर गए। तो बार बार अभी वो कम से कम 8-9 महीने हो गए, माँ बाप दोनों भी गुजर गए, और उसके दिमाग में वही 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 विचार चले जाते, नहीं विचार उसके दिमाग में, तो ये होते रहता है ओवर थिंकिंग। फिर उसके साथ में फिर नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, बार बार वही विचार आना। माइंड ओवर थिंकिंग जो होता है, जैसा मैंने बताया, कोई गाना सुन लेते हैं आप, फिर वही गाना पीछे आए, कंटिन्यू चालू रहे, वही 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 गाना आ रहा है ये बात, या किसने कुछ बात किया वही वही बात आ रही है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सवाल ये आता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे दिमाग में ये बार 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 विचार क्यों आ रहा है, ये विचार नहीं आना चाहिए ना, मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि विचार आना चाहिए, क्योंकि मेरे से फिर काम नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, याददाश्त कम हो जाती है, फिर ऐसा क्या करना चाहिए भाई, ये थॉट मेरे को नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपकी डिजायर क्या है, आपकी डिजायर है कि ये थॉट नहीं आना चाहिए और आपको ये थॉट आ रहा, आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ये थॉट नहीं आना चाहिए और आपको ये थॉट आ रहा, इसका मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, अभी हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट कि ये नहीं होना चाहिए मगर वो हो रहा है, इसका मतलब अभी ये हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, ये ठीक नहीं है, ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो मेरे डिजायर के खिलाफ ये थॉट आ रहा है, उससे होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झंझट, झगड़ा, दिमाग में अंतर्गत कलह, और फिर उससे होती है गिल्ट कि क्या मैं ऐसा कैसा हूं, मैं लायकी का नहीं हूं, है ना, बराबर नहीं है ये मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कैसा विचार आ रहा है कि भाई वो लड़की के गाल के तरफ मैं बार बार देख रहा हूँ, ऐसा कैसा मेरे को विचार आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा मैं फेल हो जाऊंगा तो कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे मैं फेल हो गया तो, या मेरे को ढंग से बातचीत नहीं करते आएंगी 4 लोगों के सामने तो फिर क्या होगा, ऐसा उसको बार बार जब विचार आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां से होती है गिल्ट, गिल्ट होना, गिल्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको,
गिल को क्या बोलेंगे पति? मनीष सेठी जी भी कॉल पे है, मनीष जी वेलकम। आपको अपराध भावना, अपराधीपन की भावना। मनीष सेठी आपको भी मैं पोस्ट बना रहा हूँ, एक मिनट। यस मनीष सेठी भी कॉल पे है, उनको भी मैं पोस्ट बना रहा हूँ। यस, तो अपराधीपन की भावना होती है, मैंने मनीष जी आपको बना दिया मैंने, तो अपराधीपन की भावना हो जाएंगी। मेरे दिमाग में भयंकर थॉट आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए, उससे मेरे को निकलना है, ये थॉट नहीं, ये आना चाहिए, ये थॉट मैंने निकालना चाहिए, और ये आते अच्छा नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि मैं अभी उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थॉट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये थॉट आते कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने हाथ धोना चाहिए, बार 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 हाथ धोएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि बाहर से कोई घर में आदमी आ गया तो उसने पैर धोना चाहिए और पैर धो के अंदर आना चाहिए, या चद्दर खराब है चद्दर बार बार धोने का है, या स्नान कर लिया है तो वो मतलब गंदगी के विचार बार बार आएंगे। तो ये विचार अभी नहीं आना चाहिए सर, ये विचार नहीं आना चाहिए, ये निगेटिव थॉट से ये नहीं आना चाहिए। अभी हो रहा क्या है कि अभी मैं उसके ऊपर एक्ट कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूं। तो जब रिएक्ट कर रहा हूं, थॉट आ रहा है मैं रिएक्ट कर रहा हूं, थॉट आ रहा है वो मैं रिएक्ट कर रहा हूं, थॉट आ रहा है मैं रिएक्ट कर रहा हूं, ये सब ऑटोमेटिक ब्रेन में हो रहा है। देखो ब्रेन का ऑटोमेटिसिटी है, ये ब्रेन ऑटो पायलट के ऊपर है, ऑटो पायलट स्वयं चलित है ब्रेन। तो फिर क्या हो रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको विरोध करता है। वो विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये थॉट जो है ना ये सच्ची है, ये सच्ची है। थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है हाथ गंदे है साफ करना पड़ेगा। मेरे को थॉट आ रहा है कि मैंने, मेरा ख्याल वो लड़की के गाल के ऊपर जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ये सच है, वो गाल के ऊपर ख्याल जा रहा है, वो लड़की क्या सोचेगी, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ये सच्ची है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड क्या कंसिडर करता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है कंसिडर कि ये रियल है, ये जो है ये रियल हो रहा है, ये सच्ची है। और फिर उससे और कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है कि भाई ये रियल है, एक थॉट आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल बना रहा है, उसके ऊपर विश्वास करके थॉट आ रहा है रियल बना रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो साइंटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें जो जो ब्रेन में सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स ब्रेन में सब न्यूरॉन्स है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स है। तो उसमें एक पैटर्न बन जाता है, समझो ऐसे ऐसे एक दूसरे को वो पक्के बैठे हुए, एक ऐसे ऐसे घट ऐसे एक दूसरे में फिक्स किए हुए न्यूरॉन से, उनका एक ऐसा नया पैटर्न बन जाता है। ये ऐसे एक ये न्यूरॉन एक उसका ऐसा पैटर्न बन गया, फिर दूसरा उसका ऐसा पैटर्न, तीसरा ऐसा उसका पैटर्न बन गया। ऐसे पैटर्न न्यूरॉन्स के तैयार हो जाते हैं और वो पक्के हो जाते हैं, और वो पक्के होने के बाद में वो थॉट रिपीटेडली रिपीटेडली ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आना चालू हो जाता है, आपका भी कोई कंट्रोल ही नहीं। मतलब शुरू में थॉट आ गया, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, आपको दर्द हो गया, आपको गिल्ट हुआ, सबकॉन्शियस माइंड को लगा ये रियल है, उसने उसका न्यूरल पैटर्न बना दिया, वो पैटर्न पक्का हो गया, और अभी वो थॉट ऑटो पायलट के ऊपर चला गया, बार 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 थॉट आ रहा है, आपकी इच्छा भी नहीं है तभी आ रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आया तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ रुक रहा हूँ, जरा आप पूछिएगा ताकि इसको भी ये लैंड नहीं हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ तो, और मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। इतनी बड़ी आप डिजिटल लैंड ऊपर कर सकते हैं, वैसे भी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और पूछ सकते हैं। बहुत ही कम लोगों ने वीडियो चालू रखा है, वैसे भी समझ आया ऐसा बोल रहा है तने तनया, है ना, तनया 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 बोल रही है कि बोल रहा है मालूम नहीं, तान्या तान्या तान्या। अच्छा, इज इट सेम एज डिप्रेशन? नो, इट इज नॉट सेम एज डिप्रेशन, ये डिप्रेशन जैसा नहीं है, ये अलग है। यस वैभव गांधी बोलिए, अनम्यूट करो, बोलो वैभव गांधी। हाँ सर, मुझे ये बताना था कि समझो अभी ये न्यूरॉन्स के जो है वो पूरे ऐसे पक्के हो गए, ये थॉट्स आते ही रहे, तो इसको हम डिसमेंटल नहीं कर सकते क्या ये थॉट्स को? वो वही तो करना है, बता रहा हूँ अभी, बता दो ना अभी। ओके, है ना, वही करना है।
इसमें थोड़ी पक्के रहना, बड़े रहना है ना, बड़े नहीं रहना है इसमें, उसमें से छुटकारा पाना होगा हाँ नहीं क्या, इसमें छुटकारा पाना होगा नहीं तो तकलीफ है, तकलीफ हाँ होंगी ना। यस मनीषा बोलिए, मनीषा बोलिए, अनम्यूट हाँ यस करो। सर, हाँ जी यस सर। मुझे भी नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब मेरा बेटा स्कूल की बार यानी ट्यूशन जाता है ना, वो साइकिल से जाता है, जब हम्म, वो थोड़ा 5-10 मिनट भी लेट आता ना, तो मेरे मैं इतनी हाँ ओवर थिंकिंग करती हूँ कि कैसे आता होगा, कुछ हुआ तो नहीं, सब निगेटिव निगेटिव। आदमी 1 सेकंड भी लेट हुआ ना, तो इतना सारा निगेटिव आ जाता है कि मैं सोच भी नहीं सकती सर। और वही हर दिन, एक यस, मिनट अगर लेट होगा तो वही वही चल रहा है, तो फिर सर उसके लिए उसके लिए कुछ। क्या करें, बता रहा हूं एग्जैक्टली वही तो अभी हम आ रहे हैं इधर, है ना, के लिए क्या करना है वही बताऊंगा मैं, है ना। गुड, यस विनय अड़ुकिया, अब वीडियो चालू करो विनय जी, वीडियो चालू करो, तनिया वीडियो चालू करो, बोलो पूछो। हेलो हाँ सर, सर मुझे भी ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है बहुत सालों से। तो उसमें कभी भी मुझे ऐसे ओवर थिंकिंग हो जाती है रात को, और एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, तो ये पैटर्न बन जाता है वही विचारों का, और बार 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 आ जाता है, और वो झगड़ा चालू हो जाता है कि क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है। तो उससे क्या चलो होता है कि मेरा नींद नींद भी अच्छे से नहीं आती फिर, और फीलिंगलेस फीलिंगलेस लगता है पूरा का पूरा, कि मैं प्रेजेंट में रह नहीं पा रही हूँ, और फीलिंग्स भी चली जाती है सब कुछ, कि मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, सामने में देख रही हूँ पर समझ में भी नहीं आ रहा, बीच बीच में अंदर चली जा रही हूँ, विचारों की तरफ ध्यान जा रहा है बार बार, और बहुत वो बढ़ जाता है फिर ऐसे धीरे धीरे, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे आ गया उसमें से समझ में, निकल। हाँ, आ गया समझ में, आ गया। मैं अभी बता रहा हूँ उसके लिए क्या करना हाँ सर, है ना, हाँ बता रहा हाँ हूँ उसके लिए क्या करना। ओके सर, यस गुड, और नीरव पटेल बोलो, नीरव पटेल जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने ब्रेन के पैटर्न का मेंशन किया, तो सर यूजुअली चीज ऐसा होता है कि कभी अगर फ्यूचर टेंशन है तो सर वही थॉट का पैटर्न आता है, कभी अगर समझो कोई हम रिलेशनशिप हो तो उसके टेंशन का पैटर्न, कभी लस्टी थॉट्स, तो सर ये जो है ये स्वरूप बदलते रहते हैं, एक टाइप का नहीं होता है, तो सर वो मुझे जानना था कि सर ये एग्जैक्टली हम कैसे ब्रेक करें। चलो किसी रिलेशन का हर्टिंग का वो पैटर्न टूट गया, बट उसके बाद हमें दूसरा आता है कि फ्यूचर में आगे क्या होगा, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है सर, आई होप यू बरोबर, आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैं ना 3 दिन पहले एक बस में ट्रैवल कर रहा था, हम थाईलैंड में गए थे, एक कॉन्फ्रेंस थी वहां, तो पटाया से लेके बैंकॉक तक करीब करीब 2 घंटे लगते हैं, 150 किलोमीटर है, तो उसमें वो गाने चला रहे और वीडियो था, और मतलब ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स चालू थे। अब वो कंटिन्यूस 2 घंटे मेरे गाने चालू थे, और वो बार 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 5-7 गाने वो बार 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 रिपीट कर रहे थे। अब वो होने के बाद में कम से कम 24 से लेकर 48 घंटे बाद में भी मेरे दिमाग में वही गाने चालू थे, मतलब मैं काम कर रहा था और गाने वही आ रहे थे पीछे, एट द बैक ऑफ द माइंड, है ना, क्योंकि वो पैटर्न बन गए, वो पैटर्न बन गया बार 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 सुन के, और वो ऑटोमेटिकली गाना दिमाग में आ रहा है। अभी 3-4 दिन तक वो चला, अभी अभी मैं फ्री हो गया उससे, 2 दिन तक पक्का ही था। तो ऐसा होते रहता है कि एक बार वो न्यूरल पैटर्न बन गए कि फिर वो तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, और वो कैसे तोड़ना उसके बारे में हम बात करेंगे, वो पैटर्न कैसे तोड़ना। राइट, यस मोहम्मद सैयद लास्ट, फिर हाँ जी शकुंतला जी बोलिए, शकुंतला जी मानकर बोलो। अब नमस्ते हाँ नमस्ते, बोलो बोलो। सर, मेरे को भी बहुत चक्कर आ रहे हैं और निगेटिव आता है, मेरे को भी आ रहे, चक्कर क्यों आता, चक्कर क्यों आता, ये बाएं हाथ की तरफ पूरा आने सूजन आ गई है, दर्द होता पूरा बाएं हाथ, ठीक है ना, और गर्दन भी दर्द बताता हूँ होती थी। यस,
बताता हूँ, अभी अभी आप ज्यादा सो जाता हूँ, जस्ट वेट बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा रुको। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए कि हम शनिवार को 8 से 9 परवरिश के बारे में एक प्रोग्राम ले रहे हैं। परवरिश बच्चों का पालन पोषण, तो वो फ्री प्रोग्राम है। आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो प्रोग्राम में आइएगा, उसके मैं लिंक डाल रहा हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में वो आप ज्वाइन होते हैं तो बहुत अच्छा है, उसकी व्हाट्सएप ग्रुप जो खाली है ना, परवरिश का वो डालो लिंक, ताकि लोग उसमें ज्वाइन हो सके, क्योंकि हमारा एक ग्रुप भर चुका है परवरिश का। और हमारा 8 से 9 तो है ही शनिवार को, वो फ्री है, मगर लोगों की डिमांड है कि भाई उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और जानकारी देना है। तो हम 8 अक्टूबर शनिवार रात को 7 बजे से लेके 11 बजे तक एक प्रोग्राम लेने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में। और वो प्रोग्राम में आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो प्रोग्राम पेड प्रोग्राम है, बच्चों का पालन पोषण के बारे में, परवरिश, पेरेंटिंग टिप्स। तो उसमें मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, पेरेंटिंग टिप्स। 4 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें मैं कुछ बताऊंगा, आप कुछ बताएंगे, चर्चा होंगी, इंटरेक्शन होंगी, और 4 घंटे का प्रोग्राम है 7 से 11, 8 अक्टूबर को है। और उसकी ही जानकारी देने के लिए शनिवार को भी प्रोग्राम है 8 से 9। तो कृपया नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारी टीम को कि आप 8 से 9 वाला जो है वो, हाँ, उसकी फी क्या होगी, तो मनीष जी आप बताएंगे फी हमने क्या किया है। तो क्या बोलते हैं, ये जो शनिवार को 8 से 9 वाला प्रोग्राम है वो फ्री प्रोग्राम है, और जो 4 घंटे का प्रोग्राम हमारा चलने वाला है 7 बजे से लेके 11 बजे तक 8 तारीख को, ये डॉक्टर दीपक केडकर सर लीड करने वाले हैं। और उसकी फीस जो है केवल 1,990 रुपए है, वो भी फैमिली की फीस है, मतलब आपके लाइक पेरेंट्स, मदर फादर दोनों बैठ सकते हैं, और दादा दादी या मदर फादर या जो भी पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को अपग्रेड अपब्रिंगिंग चाहते हैं अच्छी, तो बैठ सकते हैं। तो एक ही टिकट पे 2 लोग 3 लोग आपके फैमिली के मेंबर पेरेंट्स बैठ सकते हैं, बच्चों को उसमें नहीं बिठाना है, वो बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, पेरेंटिंग का प्रोग्राम है। तो आपको 1,990 रुपए, मैं जो है उसकी लिंक डाल देता हूँ चैटबॉक्स में, नंबर या मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जिसके ऊपर आप गूगल पे फोन पे भी चाहे तो अभी भी कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा लोगों को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, थोड़ी सी सीट्स बची, अगर आप चाहे तो बुक कर सकते हैं 9823043815 पे 1,990 रुपए आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको अभी हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू। या तो ये पेरेंट्स के लिए है और फैमिली है ना, फैमिली में बैठने का है। शनिवार का जो प्रोग्राम है ना, परसों का मतलब आज का गुरुवार है, शनिवार का जो प्रोग्राम है वो शनिवार का प्रोग्राम फ्री है 8 से 9। उसमें आपको कुछ झलक मिलेगी, वो उसमें आप आ सकते हैं 1 घंटे के लिए, और बाद में फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। हम 25 कपल को ही अलाउ करने वाले हैं, 25 कपल्स, और उसमें आप रजिस्टर करो। ये आज का जो प्रोग्राम है गुरुवार का, ये थर्सडे का, ये फ्री होता है। हमारा मकसद है कि हमारे देश को स्ट्रेस फ्री बनाए, तनाव मुक्त भारत अभियान, हम लोगों को तनाव मुक्त बनाएंगे, लोगों को तनाव से फ्री, क्योंकि तनाव से बहुत सारी बीमारियां होती, तनाव से ही ये ओवरथिंकिंग होता है, ओवरथिंकिंग से तनाव होता है, दोनों भी एक दूसरे को ये पूरक है। तो ये हमारा हर गुरुवार को 9:30 बजे होता है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये लिंक शेयर करते हैं लोगों से, और लिंक शेयर करके लोगों को लाते हो ये प्रोग्राम में। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे पार्टनर है इसमें, हमारे पार्टनर है आप। पार्टनर कैसे, ये जो हमने लिखा, ये जो लिया है, बिड़ा उठाया हुआ है कि हमारे देश के और ये दुनिया के, हमारे देश के 135 करोड़ लोगों को हम स्ट्रेस फ्री जीवन देंगे, स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे बिताएंगे वो हम देंगे, उसमें आप शामिल है, उसमें आप हमारे साथ में। तो ये हमारा सबका प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम नहीं, आपका प्रोग्राम है, और आप इसमें पार्टनर हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस, फॉर शेयरिंग लिंक। हम अभी आएंगे वापस फिर से ओवरथिंकिंग के बाद। तो ओवरथिंकिंग का मैंने बता दिया है कि अभी ये हटाना कैसे, ये प्रॉब्लम है, विचार तो बहुत करते हैं, हटाना कैसे। अभी 2 तरीके हैं, तरीके कौन सा, एक है, एक तरीका ये है कि हमारे पास में जो लोग आते हैं ना,
तो वो मैक्सिमम लोग ऐसे है कि बस अभी आया, मेरे को 1 घंटे में वापस जाने का है, आधे घंटे में वापस जाने का है, और मुझे बस तपास लो, दवाई दे दो, कुछ दिमाग का फोटो वीटो निकालना है तो निकालो और दवाई देके मेरे को रवाना करो। मेरे को गाड़ी है 2 बजे गाड़ी है, 1 बजे गाड़ी है, इतने दूर दूर से आते हैं, बोले 1 घंटे में मेरे को निकाल दो फटाफट जल्दी, तो हमको जल्दी दवाई लिखो लिखो फटाफट, बीपी देखो, ब्लड प्रेशर देखो, कोई शुगर वगैरह बढ़ी है क्या देखो, फिर हम देखते थायराइड वगैरह कुछ कम है क्या, थायराइड का प्रॉब्लम है क्या, बीपी ठीक है क्या, डायबिटीज नहीं है ना, चलो एक ब्रेन का ईजी निकाल लेते, फोटो निकाल लेते कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्या, और चलो जल्दी हमको गोलियां लिख के देना है और जल्दी जाना है, तो हम उनको दवाई लिख के देते हैं और वो चले जाते, बोलते दवाई से ठीक हो गया, दवाई बंद करते तो फिर से चालू हो जाएंगे। हमको इसमें रूट कॉज पे जाना पड़ेगा और उसके लिए काउंसिलिंग की जरूरत होती है, वो हम करते हैं काउंसिलिंग। पर अभी मैं आपको वैसी सबको काउंसिलिंग एक साथ कर रहा हूँ, सबकी काउंसिलिंग और एक साथ करके मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक साथ में काउंसिलिंग करता रहा हूँ, ये कैसे हटाना, ये आप समझ लेंगे कैसे हटाना, तो आपके जीवन में भी आप ये इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और आपके साथ में और कोई आ गया बोलने के लिए कि नहीं हमको ओवर थिंकिंग है, उसका भी इलाज आप कर पाएंगे। तो ये ट्रिक ये टिप आप उसको देते हैं तो उसका भी ओवर थिंकिंग कम हो जाए, आपके घर के लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये करना कैसे है ना, ये थिंकिंग कम कैसे करना। अभी इसमें क्या है, इसमें आपको पहले ये देखना है कि ये थिंकिंग चालू कैसे होता है। रूट में जाओ, क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इतने सालों की, और सब थॉट्स जो है वो अंदर पड़े हुए हैं, है ना, अंदर पड़े हैं थॉट्स मेमोरी बैग में, हमारी मेमोरी बैग है, सब थॉट्स पड़े हैं, सब इंफॉर्मेशन है इतने सालों की, कुछ हमको याद आती है कुछ हमको याद नहीं आती। देखो ना, मैं 5 साल का था तो 5 साल के जब मैं बालक मंदिर में था तो मुझे एक दो बातें अभी भी बालक मंदिर की भी याद आ रही। अभी मैं 67 हूँ और 5 साल का मतलब 62 ईयर्स पहले की बात अभी भी मुझे याद आ रही कुछ, मगर 5 साल का मैं जब था तब सभी बात थोड़ी याद आ रही, 5 साल की 6 साल की सभी नहीं आ रही, कुछ 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 बातें बचपन की याद आती है, फिर बाकी बातें कहाँ गई, बाकी बातें दिमाग में है, बाकी बातें स्टोर्ड है ब्रेन में स्टोर्ड है, सिर्फ याद नहीं आ रही, वो डॉर्मेंट है मगर है अंदर, कभी कुछ तो भी हो जाता और फटाक से वो उसको अंगार लग जाती और बात एकदम याद आ जाती। तो अभी जो इंफॉर्मेशन दिमाग में ऑलरेडी हमारे स्टोर्ड है और उससे ये थॉट क्रिएट हुआ है, कहीं तभी उसके साथ में एक बाहर का थॉट आ गया, वो अंदर के थॉट को जुड़ गया, उसका पैटर्न बन गया और चालू हो गया। जो अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको ये थॉट आ गया, ये जुड़ गया, नहीं चालू हो गया। तो अभी हमको ये करना है कि भाई ये जो पैटर्न मजबूत हो गया, बार 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 उसके ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ और पैटर्न मजबूत भी होना चालू हो गया, तो हमने ये देखना है कि भाई मैंने इसके ऊपर रिएक्ट करना नहीं है, पहली स्टेप, मैंने ये थॉट के ऊपर रिएक्ट करना नहीं है। क्या होता है कि थॉट आया, मैंने रिएक्ट किया, मैंने कहा नहीं निकलना चाहिए ये थॉट, निकलना चाहिए ये थॉट, मुझे नहीं होना ये थॉट, निकलना चाहिए। होता क्या है, मैं उसको रेजिस्ट कर रहा हूं और रेजिस्ट जो जो आप रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट होता है, वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, वो जाएगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे नंबर एक ये जो है कि भाई ये थॉट है, ये ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं जानबूझ के ये थॉट नहीं ला रहा हूं, मुझे उसके ऊपर रिएक्ट करना नहीं है, ये अपने आप को पहले एक्नॉलेज करना है, बार बार अपने दिमाग में लाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने रिएक्ट करना नहीं है, ये थॉट ऑटोमेटिक आ रहा है, ये थॉट रियल नहीं है, ट्रुथ नहीं है, मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है, मुझे उसका स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे उतना वो परसिस्ट होगा, जितना रेजिस्ट करोगे उतना परसिस्ट होगा, और वो प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करने नहीं, ये थॉट नहीं आना चाहिए, मगर ये थॉट क्यों आ रहा है,
मगर मैं वो लड़की के गाल के तरफ बार 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 देखने का ये थॉट आ क्यों रहा है? नहीं वो ठीक है यार, एक्सेप्ट किया, थॉट है। तो आपको क्या ये ट्रेनिंग आप खुद को लेंगे इसके बाद में कि वो थॉट को एज ए थॉट देखना है? अरे वो थॉट है, वो क्या है? वो थॉट है, थॉट, वो रियल नहीं है, वो एक विचार है। तो कुछ नहीं करने का है, क्या करना उसको? मैंने नहीं लाया, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। इसलिए मैं हरदम बोलता है कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, एटीएम दिमाग में एटीएम है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, वो चालू हो जाता है। 50,000 से 60,000 थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द थॉट्स हमारे, मैं हरदम बोलता हूँ, एंट है। एंट, एंट मतलब चिटियां, एंट, एंटी एंट, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है एंटी का? ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, ए एन टी। तो हमारे दिमाग में थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वो एंट है, वो मैंने लाया नहीं है, उसके ऊपर मैंने रिएक्ट करना नहीं है, उसको जो भी है वो आने दो, उसका स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो। आप कल्पना करो कि आपके घर में गेस्ट आ गया, आपका दूर का मामा, मामा भाई चचेरा भाई कोई तो भी ऐसा है, और उसको आप कहीं सिटी में रह रहे हैं। किशोर जी आप कहाँ रहते? यवतमाल में है ना किशोर? हाँ कहाँ? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। यवतमाल में रहते, यवतमाल में रहते। हाँ अभी आपका आपका दूर का भाई है कोई, है ना, दूर का रिश्तेदार है, वो बैग भी लेके आपके यवतमाल में आ गया आपके घर। अब बोले यार ये कहाँ से आया, ये कभी फोन नहीं करता, कभी कोई संबंध नहीं, जबरदस्ती आ गया। अब ये जबरदस्ती आ गया, अभी उसको आप बहुत उसकी खातिरदारी करेंगे, उसको चाय पानी पिलाएंगे, उसको मिठाई खिलाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, सब उसको मस्त देंगे। उसने बोला कि मैं अभी 2 दिन यहाँ रुकने वाला हूँ क्योंकि मेरी परसों एग्जाम है यवतमाल, और एग्जाम के लिए मैं आया हूँ, 2 दिन अभी आपके यहाँ रुकने वाला। बोले कहाँ से आया है? अब वो गेस्ट को आप समझो बहुत उसकी तारीफ कर रहे है, उसके साथ में उसको मतलब सेवा कर रहे है, उसको सब दे रहे है, तो उसको मजा आएगा, वो रहेगा क्योंकि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी वही गेस्ट को समझो आपने इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, उसके तरफ देखा ही नहीं, आया क्या गया क्या, देख बैठ भाई तू, तेरी बैग रख, खाना नहीं पूछना, पीना नहीं पूछना, तेरे को बैठना है तो बैठ, जाना है तो जा, ऐसा किया तो हो सकता है कि वो शाम को चले जाए। मतलब उसको नजरअंदाज किया, वो गेस्ट को ख्याल नहीं दिया गेस्ट की तरफ, उसको महत्व नहीं दिया, उसको पूछा नहीं, तो उसको अपमानित लगेगा, यार मेरे को पूछ भी नहीं रहा है, कुछ खाने पीने की भी नहीं पूछ रहा, वो निकल जाएगा। मगर उसको आपने महत्व दिया तो वो रुक जाएगा, बोले बोले मस्त हो रहा है यहाँ, 2 दिन का अपने को परसों एग्जाम है, पर आपने यदि उसको कुछ महत्व नहीं दिया तो वो निकल जाएगा। अब वैसे ही समझ के चलो कि ये थॉट जो है वो गेस्ट है, गेस्ट आर्टिस्ट, हम उसको बिन बुलाए मेहमान बोल सकते। हाँ बिन बुलाए मेहमान है ना, और आप उसको यदि महत्व देंगे तो वो बैठ जाएंगे, उसको महत्व नहीं देंगे तो वो निकल जाएंगे और आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो गायब कब हो। मेरा सेंटेंस अंडरलाइन करो, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो गायब कब हो गए। लोग क्या बोलते, नहीं 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 मैं उसको निकालू नहीं तो फिर वो बैठ जाएगा ना अंदर, तो मैं को उसको निकालना पड़ेगा। मैं बोलता भाई हाथ जोड़ता हूँ, आप उसको निकालो मत, क्योंकि आपने लाया नहीं आप निकाल नहीं सकते, आपने लाया नहीं है आप निकाल नहीं सकते, तो क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आपने मेहमान को बुलाया नहीं, आप उसको निकालो मत, वो और बैठेगा, उसके तरफ ख्याल मत दो, अपने काम को लग जाओ, जो भी कुछ करना है करो, चुपचाप निकल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको स्वीकार करना है, स्वीकृति करना है, एक्सेप्ट करना है कि चलो आ रहा है तो आने दो, ख्याल मत दो, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, राइट? इसके बारे में कुछ सवाल होगा तो मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, वो गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं ताकि हम आपको कॉल करेंगे, हमारी टीम कॉल करेंगी, और आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करेगी। और कुछ नंबर दिए हैं मैंने, वो नंबर के ऊपर भी कॉल करके आप फिर मेरे से कल परसों बात कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर क्या होगा, यदि मैं एक्सेप्ट करूंगा वो थॉट, ठीक है यार वो थॉट आ रहे हैं, एक्सेप्ट करूंगा, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो जो झंझट चल रही है, निकालो उसको निकालो, वो आ गया उसको निकालो, आ गया उसको निकालो, ये झंझट कॉन्फ्लिक्ट, उससे गिल्ट,
उससे दर्द वो नहीं होगा, पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो फिर जब हमको एक्सेप्ट ही करना है तो उसको हमको हटाने की जरूरत नहीं है। उसका आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बोलो कि भाई उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, रहने दे उसको, मैं मेरा काम करूं, नजरअंदाज करो बाजी मेरा। मैं ऐसा लोगों को बोलता हूं कि आप ऐसा हाथ करो, ऐसा हाथ करो, ऐसे अपना दिमाग में हाथ रखना है और बोलो कि ये थॉट को मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट करना मतलब काउंस कर दो ना, इधर से काउंस, इधर से काउंस, ब्रैकेट कर दे, वैसे मैं इसको ब्रैकेट कर रहा हूँ, बाजू में रख रहा हूँ, बाजू में रख रहा हूँ, उसको मैं ख्याल दूंगा। तो फिर क्या होगा, ये करने से, ये करने से उसके ऊपर मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, उसको मैं निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं महत्व नहीं दे रहा हूँ, बाजू में रख दिया तो क्या होगा, वो जो न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं, न्यूरोनल पैटर्न, वो पैटर्न ढीले पड़ना चालू हो जाए, जो मजबूत बने हैं वो ढीले पड़ना चालू हो जाए। और जब वो न्यूरल पैटर्न ढीले पड़ेंगे वो मरना चालू हो जाएंगे, मतलब वो जो ऐसे पक्के बैठे हुए न्यूरल पैटर्न वो ढीले पड़ेंगे, ढीले पड़ के अलग अलग हो जाएंगे और धीरे 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 वो थॉट गायब हो जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से उसको जो एनर्जी मिलना चाहिए वो थॉट को, वो एनर्जी अभी नहीं मिल रही है। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ठीक है भाई आने जाने, तो उसको एक्सेप्ट करो, जो थॉट आएगा उसको बोलो ठीक है यार आने दो, क्या प्रॉब्लम है, वो थॉट है। जैसा अभी मंजू शाह ने बोला ना, मेरा बेटा 7 बजे नहीं आया, तो ठीक है नॉर्मल है, 7 बजे नहीं आया, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, डर लग रहा है, अच्छा उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाप रे अभी तक नहीं आया, देखो 7:20, देखो 7:21, 7:25 हो गए, बाप रे अभी नहीं आया, अभी कैसा होगा, अभी क्या हूँ, चालू चालू चालू, हम क्या कर रहे हैं, वो थॉट को महत्व दे रहे, अरे ठीक है यार वो थॉट आ रहा है, नेचुरल है, 7 बजे आने वाला व्यक्ति नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम आया होगा, चलो रादर देन थिंकिंग मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके पास में मोबाइल है तो फोन कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि भाई कहाँ अटक गया है, चलो कब आने वाला है, पूछ सकते हैं, उसके पास में नहीं मोबाइल तो ठीक है, इसके बाद में उसको बोल देंगे कि भाई जब लेट हो जाएगा तो मुझे फोन कर, मुझे वो चिंता होती, तो वो फोन कर देगा, रादर देन उसके ऊपर जाना, बाकी सब काम छोड़ के वही 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 सोचना। हमारे एक दोस्त है तो उनकी मदर अभी भी, हम सब जो कहीं बाहर गए और बाहर से समझो भी लेट आ रहे, 12 बजे 12:30 एक बजे, उनकी मदर की उम्र अभी 75-80 है और वो जब तक घर पे नहीं आया था तब तक वो जागती रहे, कितना भी समय हो, एक बार हम 4 बजे आए तो 4 बजे तक जाग रहे थे कि कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये समझना है कि नॉर्मल है, ये कुछ गलत नहीं है, चिंता होना भी नॉर्मल है, ये थॉट है ठीक है, उसके ऊपर जो मुझे प्रिकॉशन लेना है प्रिकॉशन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फोन करना है फोन कर लेंगे, पूछना है पूछ लेंगे, जो भी करना है करेंगे, मगर उसकी चिंता करके नहीं बैठेंगे, और ऐसा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा झंझट नहीं होगा, क्योंकि झगड़ा कब होता है, ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए, ऐसा कैसा हो गया क्या नहीं हो गया, मगर ऐसा तो झंझट ही नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ इसका मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे, शांति से बैठो। तो ये आप करते हैं कि अंडरलाइन एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं कि जो भी थॉट है उसको महत्व देने का नहीं है, उसको इम्पोर्टेंट देने का नहीं है, वो ऑटोमेटिक आया हुआ है, उसको क्या आप देख सकते हैं कि अरे ये थॉट आया और ये थॉट गया, ये थॉट आया ये थॉट गया, मेरा नहीं है, मेरा उसमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो आ रहा उसके क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा ही आप देखते हो, या फिर आ रहा है चलो स्वीकार कर लो आ रहा है, वो ऑटोमेटिक है, ब्रेन ऑटोमेटिक थॉट तैयार कर रहा है, जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन थी, कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन थी कि 7 बजे मेरे एक दोस्त का लड़का 7 बजे घर पे आने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अभी मेरे को डर लग रहा है कि मेरा बेटा 7 बजे नहीं आया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन है
पहले से ही पड़ी हुई वो इन्फॉर्मेशन जाग गई, ये लेट हो गया तो उसके पैटर्न तैयार हो गए, उसका थिंकिंग तैयार हो गया, तकलीफ हो रही है, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि ठीक नेचुरल है, नॉर्मल है, और उसमें जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेने का है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि चुपचाप बैठो, आपको लग रहा है चलो फोन करो, एक आधा लेट नहीं आया तो चलो बात करो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम। यस, तो इस तरह से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग से मुक्ति पाएंगे। संदीप जी का हाथ ऊपर है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संदीप जी, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि शनिवार को, परसों, 1 तारीख को शाम को 8 से 9 परवरिश के ऊपर अपना लेक्चर है, और 8 तारीख को मतलब शनिवार को 8 अक्टूबर को 4 घंटे का वर्कशॉप है, तो उसमें आप आ सकते हैं। यस संदीप जी बोलिए। हेलो। यस। हाँ सर, आवाज आती। यस बोलिए। हाँ सर, ओवर थिंकिंग से अपने शारीरिक प्रॉब्लम भी हो जाते हैं कभी कभी। यस बिल्कुल होते हैं। कभी छाती में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है। क्या ओवर थिंकिंग से होता है क्या? देखो, ब्रेन को, ब्रेन यदि ठिकाने पे नहीं है, ब्रेन को प्रॉब्लम है। यस। तो ब्रेन तो अपने को दिखता नहीं है, तो दिखता क्या है? बॉडी। यस। तो ब्रेन को यदि कुछ हो गया तो वो कहाँ से बाहर आएगा? बॉडी से। तो किसको? पेट का विकार हो जाएगा, थकान आएंगी, एसिडिटी होंगी, पेट फूल जाएगा, घबराहट होंगी, बहुत एसिडिटी, जलन, किसको दमा का अटैक आएगा, किसको हार्ट अटैक आ जाएगा, किसको बॉडी एकर पेन्स हो जाएगा, किसको खुजली आ जाएंगी, किसको आंखें लाल हो जाती है, किसको पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, किसको हाथ पैर में दर्द होता है ना? तो ये सब दिमाग जो है वो अपना बॉडी से बाहर निकालता है जो भी कुछ है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस स्वाति बोलिए, आपको बोलना है स्वाति जी। यस सर, ऐसा क्यों होता है सर कि निगेटिव बातें ही हमारे मन में ज्यादा देर रहते हैं? जैसे आपका अभी एक कॉल आया और आपने बताया कि वो पेशेंट चला गया, तो हाँ। मेरे मन में वो क्यों है सर कि सर ऐसे कैसे रिलैक्स रह सकते हैं, मैं क्यों नहीं रह सकती? वो तो ट्रेनिंग लेना है ना, वो जो ट्रेनिंग है वो ठीक है, जो मैंने करना चाहिए था वो किया है ना। एक मिनट है, पर है ना किस लोगों को है ना शूट करवाते हैं ताकि जो डिस्टरबेंस है ना वो बन। हाँ, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। मैंने जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उनको बोला कि भाई आप है ना वहाँ, बोले कार्डियोलॉजिस्ट है, मतलब फिजिशियन है, बोले फिजिशियन है, ट्रीटमेंट चल रही है, बोले ट्रीटमेंट चल रही है। अरे ठीक है, मैं तो उसमें स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, मैं तो दिमाग का डॉक्टर हूँ, वैसा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं वहाँ जाके करूँ भी क्या? तो मैंने सब लोग वहाँ हैं, एवरीथिंग मौजूद, बोले यस सब है वहाँ। अरे ठीक है चल, मैं अदरवाइज मैं जाके वहाँ करता क्या? कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा रहता था कि मेरे जाने से कोई फर्क पड़ता था तो मैं आपको बोलता था कि भाई मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जान बचाने की है, मैं भी जा रहा हूँ, आपका सेमिनार नहीं होगा, है ना? Yes. मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने को एक जान प्यारी है, एक जान बच जाएंगी। तो वहां सब लोग है, तो वहां कोई डॉक्टर नहीं रहता था, कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मैं भागता था वहां कि चलो मेरे को जितना भी आता है वो मैं करूंगा, मगर वहां सब डॉक्टर मौजूद है, फिर मैं जाके क्या करूँ? तो हमको ये देखना है कि रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग है ना, भावना, इमोशन ड्रेनिंग, हमारा इमोशन ड्रेनिंग नहीं होना चाहिए, हमारे भावना जो है उसको निकालना नहीं चाहिए, हम है ना खींच के बाहर निकालना नहीं चाहिए, भावना बैलेंस संतुलित है ना, संतुलित रखना चाहिए भावना। यस, और किसको करते हैं अनम्यूट, जिन्होंने बात नहीं की अभी तक? राजेश इटवरे बोलिए। कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या जिसके जिसके सहारे, जिसके हेल्प से ओवर थिंकिंग कम हो जाए? फिजिकल एक्सरसाइज, देखो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आप तो फिजिकली आप फिट है, तो ओवर थिंकिंग का बुरा असर जो बॉडी के ऊपर होता है वो कम होगा, है ना? आप फिट है,
फिर दूसरा आप मेडिटेशन करते हो, तीसरा मैं हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ। हिप्नोटिज्म मतलब सबकॉन्शियस माइंड को शांत कैसे करें, क्योंकि ये सब विचार सबकॉन्शियस माइंड में आते रहते हैं, ऑटोमेटिक चालू है, तो उसको शांत कैसे करें, तो मैं सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ। तो वो आपने सीखना है सेल्फ हिप्नोटिज्म, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, है ना। मेडिटेशन है, हिप्नोटिज्म है, लॉजिकल थिंकिंग है, फिर फिजिकल एक्सरसाइज है, उससे आप फिट रहेंगे, ताकि आपका देखो आपकी नींद नहीं है, समझो नींद बराबर नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अब इसका असर बॉडी के ऊपर जल्दी हो जाएगा। कोविड में मरे कौन से लोग, कोविड में डेथ कौन से लोगों की हुई, उम्र ज्यादा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ताकत कम है, कोई लोग मरे। फिजिकली अफर्मेशन जो देना है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं फिट हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं एकदम फिट हूँ और तंदुरुस्त, है ना। मेरा मन शांत है, मेरा मन रिलैक्स है, और मैं कोई भी समस्या का सामना शांति से, आराम से, पावरफुली कर सकता हूँ। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को भाषा समझती नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता है, सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आता है चित्र। तो मैं जब बोलता हूँ कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और मैं परिस्थिति का सामना कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, आंखें बंद करके कल्पना करना है कि वो परिस्थिति आपके सामने है और आप कॉन्फिडेंटली उसका सामना कर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को समझता है चित्र। व्हाट व्हाट चित्र? चित्र इमेजिनेशन। हाँ तस्वीर, तस्वीर। हाँ देखो ना, अभी मैं आपको आंखें बंद करने के लिए बोलता हूँ, तब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आंखों के सामने लाओ, शेर, टाइगर लाया, आंखें खोलो, क्या दिखा राजेश जी आपको? टाइगर। टाइगर दिखा आपको? टी आई जी आर दिखा क्या? नहीं नहीं दिखा, टी आई जी आर, टाइगर नहीं दिखा आपको, शेर का चित्र दिखा। यस यस। तो सबकॉन्शियस माइंड को चित्र दिखता है, उसको भाषा नहीं समझती। तो हमको सबकॉन्शियस माइंड में बार 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 बार, हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं, हिप्नोटिज्म में सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 हम वही 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 बातें इमेजिन करने के लिए बोलते हैं, तस्वीर बताते हैं, चित्र बताते हैं। हिप्नोटिज्म का मेरा ये भी है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, वो आप ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट 60 वीडियोस का प्रोग्राम है हिप्नोटिज्म का। मैं हिप्नोटिज्म का 6 हफ्ते का पूरा हिप्नोटिज्म का एक सेशन लेता हूँ, वर्कशॉप 6 हफ्ते का, वो भी आप कर सकते हैं, 6 वीक्स हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम, वो भी आप कर सकते हैं, ताकि उसमें भी आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ करना नहीं है, तो बस सिंपल यही है कि आपने जो थॉट आया हुआ है उसको डिसमेंटल करो, उसको तोड़ो, ये थॉट है ये, तोड़ो उसको, थॉट ये थॉट है, ये सच्चाई नहीं है। तो आप अपने थॉट को जब देख सकेंगे कि अरे ये थॉट है, गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब। थैंक यू। और उसका असर अपने ऊपर नहीं होगा। yes, यस। हिम्मत राव चौहान बोलिए, हिम्मत चौहान, हिम्मत चौहान अनम्यूट करो, बोलो हिम्मत जी। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी आवाज नहीं। राधा, राधा मैडम बोलिए, राधा जी। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने बोला हाथ बार बार धोना, पैर धोना, तो ये हैबिट सर मुझ में भी है, ये बैड हैबिट में, मतलब ओवर थिंकिंग इसमें जाएगा क्या सर? ये तो अच्छी हैबिट है ना, मतलब बार बार हाथ धोना और ये सब कुछ। नहीं देखो, खाना खाने के पहले मैं भी एक बार हाथ धोता हूँ, और वो अच्छी हैबिट है, मतलब वो हैबिट से परेशान है। हाँ, वो हैबिट है जी, परेशान आप खुद है और बाकी भी लोग है,
तो फिर प्रॉब्लम है कि आप भी खुद परेशान है। जो लोग ये जो ओवर थिंकिंग वाले वो क्या करते हैं, 3 बार हाथ धोएंगे, पूरा साबुन से पूरा ये कर लिया, 5 मिनट तक हाथ धो लिया पूरे, फिर पोछ लिया, फिर बोल नहीं समाधान नहीं हुआ, पूरा विचार आता है नहीं नहीं अपने हाथ खराब है, फिर क्या करेंगे, फिर जाके धोएंगे, फिर हो गया फिर पोछे, तो नहीं 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 अभी हाथ नहीं साफ हुए, फिर जाके फिर धोएंगे, फिर धोएंगे, 3 बार करेंगे फिर जाना है। तकलीफ खुद को भी है बाकी लोगों को भी है, आप 10 मिनट हाथ ही धो रहे, साबुन जा रहा है, पानी जा रहा है, वेस्ट स्नान करने के समय स्नान आधा आधा घंटा एक एक घंटा स्नान करेंगे, बार 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 है ना, बार 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 एक एक ड्रम लोग पानी डालते हैं आंग के ऊपर स्नान करने के समय, एक ड्रम पानी है ना, कि नहीं नहीं अपना साफ सफाई हुई नहीं, फिर से ज्यादा ज्यादा। और तो कोई भी चीज जो है वो लिमिट तक ठीक है, लिमिट एक लिमिट है उसके तक ठीक है ना, लिमिट के बाहर गया तो खुद को भी तकलीफ है बाकी लोगों को भी ठीक है। देखो कि बच्चा मेरा 7 बजे घर में आना चाहिए और वो 7 बजे नहीं आया तो आपको टेंशन आना नॉर्मल है कि ठीक भैया 7 बजे नहीं आया एकदम नॉर्मल है, कोई गलत है क्या उसमें, बिल्कुल गलत। मगर वो इतना टेंशन आ गया, अरे बाप रे 7 बजे, 7:05 हो गए, 7:10 हो गए, घबराहट बेचैनी, इधर से उधर उधर से इधर जा रहे, फिर किसके ऊपर चिल्ला रहे, फिर कुछ तो भी कर रहे, इरिटेट हो रहे, क्या हो गया, इधर फोन करो उधर फोन करो, ऐसा कैसा नहीं आया, पूरा एक घंटा आपने सब पूरा घर अपने दिमाग के ऊपर ले लिया तो वो प्रॉब्लम हो गया। तो कोई भी चीज जब आप अति करते हो है ना तो ज्यादा हो जाता है, फिर तो उसमें भी यही करना है कि भाई ये थॉट है कि भाई मेरा हाथ मैंने एक बार धो लिया, बार बार जो हाथ खराब है ये विचार जो बार बार आ रहे हैं वो थॉट है, वास्तविक में नहीं है, मैंने तो कहीं हाथ लगाया नहीं, मैंने तो साबुन से हाथ धोए, पानी डाला नल के ऊपर और मैंने कहीं हाथ लगाया नहीं, नल भी मैंने ऐसा बंद कर लिया समझो, इससे हाथ तो लगाया नहीं, पानी भी ऐसा डाल दिया, अब तो हाथ खराब हुआ नहीं, अब का है कोई इधर उधर फिर से हाथ धोने का है, अपने आप को बोलना है। यस दीपा सिंह बोलिए। गुड इवनिंग सर। अब क्या है कि इसके बहुत ज्यादा यदि हो गया ना राधा जी, बहुत ज्यादा हो गया फिर हम उसको दवा देते हैं, किसने भी पूछा अभी चैट बॉक्स में कि फिर बहुत ज्यादा हो रहा है फिर हम दवा देते हैं। अच्छा कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं रहे, नहीं नहीं वो तो 3 बार हाथ धोना क्या, वो 6 बार हाथ धोया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धोना ही चाहिए, स्नान आधा घंटा तो करना ही चाहिए, भगवान की पूजा 2-2 घंटे करना ही चाहिए, समाधान नहीं होगा, तो वो मानने को तैयार नहीं होते, उनको दवा देनी पड़ती है। यस बोलिए दीपा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए बोलिए सर। अगर मेडिटेशन में ओवर थिंकिंग हो मतलब थॉट्स आ रहे हैं तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने नहीं है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ हमको थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं है, उसका स्वीकार करना है, आने दो, वो आ रहे जैसे आ रहे वैसे चले जाएंगे, हमको यही देखना है कि अरे वो थॉट्स है, वो थॉट है ना, वो ऑटोमेटिक थॉट है, एटीएम है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, वो मशीनरी पैदा कर रही है, मैं क्यों बार 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 वही थॉट तैयार करूंगी, मैं तो तैयार नहीं कर रही है थॉट, वो तो रियलिटी है नहीं, वो थॉट तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, बार 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 मैं क्यों करूंगी, थॉट है मुझे कुछ एक्शन लेनी है, चिंता है तो वो करो। तो सर मेडिटेशन में तो थॉटलेस होना चाहिए ना, तो फिर ये बार बार जो थॉट आते रहेंगे तो फिर कैसे मेडिटेशन हो पाएगा? तो ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे और वो थॉट का स्वीकार करेंगे, और आप सिर्फ मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में आप बोलते हैं कि भाई नाक में से सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर जा रही है, कहीं तो भी आप फोकस कर रहे, सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, अंदर जा रही है बाहर, बस उसके ऊपर फोकस करो, थॉट आ रहा है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया तो बोलना ठीक है थॉट थैंक यू वेरी मच। मैं और एक बोलता हूँ, आप बहुत ज्यादा थॉट आ गए, बहुत ज्यादा थॉट आ गए तो उसको बोलना शट अप, शट अप, ये आप बोल सकते हैं, फालतू का बिल्कुल तकलीफ मत दे, शट अप। अच्छा थॉट आ रहा है कुछ, बोलना थैंक यू वेरी मच, थॉट है थैंक यू तूने मुझे बता दिया, संभाल के जा, थैंक यू वेरी मच,
मगर आपको वो उसके साथ में खेलना है, मजाक सीरियस नहीं लेने का है ना, सीरियस नहीं करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 50,000 से 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ उसके ऊपर ख्याल देंगे तो पागल हो जाते लोग है ना। जब जो इसके ऊपर इतना ख्याल देंगे, इतना ख्याल देते हैं इसका, उसको रेस्पॉन्ड करते तो पागलपन आता है। पागलपन में होता क्या है, पागलपन में इतने थॉट्स होते हैं और वो आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है वो थॉट में कि समझ में नहीं आता उसको भी क्या करना है, तो अति अवस्था एकदम खराब अवस्था हो जाती है और फिर वो रियलिटी से दूर निकल जाता है। ठीक है, गुड, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों के हाथ ऊपर है मगर हमारा समय हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फिर से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम हर गुरुवार को रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 तक ये स्ट्रेस फ्री इंडिया ये प्रोग्राम लेते हैं, जिसमें आपका, ये आपका प्रोग्राम है, आपका सहयोग है, आप लोगों को शेयर करते हैं, आपके कैलेंडर में डाल दो, ये कैलेंडर में डाल दो कि हर गुरुवार को कैलेंडर में आपको रिमाइंडर हो जाएगा कि 9:30 बजे प्रोग्राम होता है। ठीक है ना, तो ये करना है आपको। और बाद में शनिवार को जो है उसकी भी मैंने लिंक दी हुई है, शनिवार को आप पेरेंटिंग के लिए आइएगा। और अगले शनिवार को मतलब 8 तारीख को 4 घंटे का वर्कशॉप है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे हम रोज सुबह मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप लेते हैं, मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप रोज सुबह 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक होता है। जो लोग उसमें आते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग उसमें आते नहीं है, मालूम नहीं है, उनके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप होता है। कृतज्ञता, कृतज्ञता के ऊपर है वो, और कृतज्ञता एक बहुत बड़ी कलाकारी है अपने जीवन में हम ला सकते हैं, जिससे हमारा जीवन पावरफुली हम जी सकते हैं, उसके बारे में प्रोग्राम रहता है, उसमें भी आप ज्वाइन होते जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।